फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैलकुलेट जीडीपी, तो वॉट इज जीडीपी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यानी कि प्रोडक्शन जो एक कंट्री के अंदर हुआ है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उस प्रोडक्शन में भी एक कोई इंडिया इंडियन कंट्री मतलब इंडियन फर्म है, ठीक। गुड मॉर्निंग क्लास, माई नेम इज़ मनु मलिक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमी, दैट इज़ जीडीपी। ऐसे तो यू नो वॉट इज़ जीडीपी, काफ़ी जगह आपने पढ़ा भी होगा गूगल पे इधर उधर, बट वी हैव टू लर्न जीडीपी कि आपको वो चीज़ें याद रहे जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली कर सको। वैसे बेसिक डेफिनेशन जीडीपी की क्या रहेगी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन द ज्योग्राफिकल और पोलिटिकल टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है जो आपने हर जगह पढ़ी होगी सुनी होगी, बट जब पूछा जाता है व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ डीएनपी, व्हाट इज़ एनडीपी, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस में क्या ऐड करना है, क्या डिस्ट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ जीडीपी। मैं पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that are produced in geographical, there are two terms basically, ठीक है, geographical and political boundary of a country, you need to learn these terms, boundary of a country, ठीक है, इन अ फिनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में जो प्रोडक्शन होता है आपकी ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, उसमें हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, लाइक जो हमने डेफिनेशन लिखी इसमें आपको बाइफर्केशन क्या क्या करना है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो फाइनल, ठीक है। सेकेंड मेन टर्म दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। I'll bifurcate them as well, financial year, यानी कि in a year, right? And one more very important term, that is geographical and political boundary, right? So these are terms that you need to know, final goods and services, ज्योग्राफिकल एंड फिनेंशियल बाउंड्री एंड पॉलिटिकल बाउंड्री। अब गुड्स क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली टेंजिबल आइटम्स दैट वी ह्यूमंस यूज्ड टू सेटिस्फाई आर नीड्स। गुड्स आर टेंजिबल आइटम्स, टेंजिबल मीन्स दैट यू कैन टच, दैट यू कैन फील, देन यू कैन पुट इन योर बैग एंड वेंट बैक टू योर होम। एंड देर इज वन अनदर टर्म विद गुड्स, दैट इज सर्विसेज। सो वॉट आर सर्विसेज, these are basically intangible things, and what are intangible things that you cannot touch, that you can only feel, like for example if I have to explain it with example of services, like I am teaching you, right? So this is a service, like I'm telling you what is GDP, so it is not a thing, like you cannot put it in your bag and went back to your home. It's a something like I am telling you what is GDP, you know what is GDP, and that is going straight in your mind. But it's not a thing ki you can put it in your bag and went back to home ki okay, ma'am has told me ki what is GDP and I'll put it in my bag and then I'll go back to my home, theek hai. Third thing, financial year, that is 1 year, production that is produced within a year. You have to calculate GDP on yearly basis, like every year we calculate GDP. Second thing, fourth thing, that is geographical and political boundaries. Geographical boundaries means that is India, ठीक है, तो ये जो boundary रहेगी that is geographical boundary. Political boundaries क्या होती है, for example there are 7 continents, right? So जैसे North America एक continent हो गया, right? South America एक continent हो गया, फिर आपका Europe हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, ठीक है। हमारा इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स है, इंडिया के अलावा जितनी कंट्रीज में हम लोग की लीगल राइट्स है, यानी कि एम्बेसीज है, ठीक है, जो इंडियन एम्बेसीज होंगी हमारी, वो
या फिर हम लोग के क्या बोलते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स जो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इसीलिए ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल दोनों ही बाउंड्रीज में जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो आपकी जीडीपी में कैलकुलेट होगा, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज सर्विसेज हो गया। हाँ, वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, फॉर एग्जाम्पल किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो गया है और आप उसको रीसेल कर रहे हो तो वो आपकी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, यानी कि रीसेलिंग ऑफ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी कि जो गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं, बन चुके हैं, जो आप ऑलरेडी अपनी जीडीपी में कैलकुलेट कर चुके हो, वो आपकी जीडीपी में कैलकुलेट दोबारा से नहीं होगा। बट रीसेलिंग में जो आपने सर्विसेज प्रोड्यूस करी, यानी कि आपने कोई चीज रीसेल करी उसमें फिर सर्विसेज लगी होगी, तो वो जो सर्विसेज दोबारा से प्रोड्यूस होगी वो आप अपनी जीडीपी में कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो जीडीपी में क्या जाएगा, गुड्स और सर्विसेज जाएंगी, बट जो उसी साल में प्रोडक्शन हुआ है वो सर्विसेज जाएंगी और वो गुड्स जाएंगे। दूसरी सर्विसेज कौन सी जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल कोई मोबाइल फोन है, ठीक है, वो आपने खरीदा तो उसका जब प्रोडक्शन हुआ होगा तो उस वक्त वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फोन है और मुझे वो बेचना है, ठीक है, तो जब मैं उसको रीसेल करूंगी तो मुझे सर्विसेज, मतलब मुझे पैसा मिला उसका, किसी ने वो खरीदा उसको फोन मिला, उसको खरीदने और बेचने में जो सर्विसेज हुई है जनरेट वो आप ऐड करोगे जीडीपी में। लेकिन फोन क्योंकि ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है तो वो आप जीडीपी में अपना ऐड नहीं करोगे, क्योंकि वो उससे क्या होगा, डबल काउंटिंग का इशू आएगा। जैसे कि गुड्स दो तरीके से होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका फाइनल गुड्स, राइट, एंड सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। सो सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग। अब इसमें हम लोग जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसमें हमने लिखा फाइनल गुड्स। व्हाई फाइनल गुड्स? क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं दे वर्क एज अ रॉ मटेरियल दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। यानी कि इफ आई हैव टू यू नो टेल यू विद एग्जाम्पल, सो लेट्स टेक इट शुगर केन एंड शुगर, राइट। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर प्रोड्यूस शुगर केन, राइट, सो दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन दैट वी विल कैलकुलेट इन आर जी डी पी। सेकेंड वन शुगर, चीनी, इन दोनों का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, बट वॉट वी विल बी इंक्लूडिंग इन आर जी डी पी, शुगर। वाई सो? फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ शुगर केन और द इफ यू कन्वर्ट इट इन टू कैपिटल और मनी, फॉर एग्जाम्पल इट इज फॉर रुपीज 10, ओके, एंड द शुगर दैट वी हैव प्रोड्यूस रुपीज 50, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वॉट शुड बी आर जी डी पी, 10 फॉर शुगर केन एंड 50 फॉर शुगर, सो आर जी डी पी विल बी 60 रुपीज, राइट। बट वॉट इज आर रियल जी डी पी, दैट विल बी 50। वाई सो? बिकॉज दीज 10 रुपीज, यानी कि द शुगर केन दैट इज ऑलरेडी यूज एज अ रॉ मटीरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, सो इट विल कॉज द इशू ऑफ डबल काउंटिंग। दैट इज वाई वी ऑलवेज यूज फाइनल गुड्स एंड नॉट इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली वर्क एज अ रॉ मटीरियल, सो वी विल नॉट इंक्लूड दिस इन द कैलकुलेशन ऑफ जी डी पी of a country, ठीक है। So this is the example, for example if you include final goods and intermediate goods, both the goods in the production of GDP or in the calculation of GDP, then you will be getting wrong GDP because these 10 rupees is already used in this 50 rupees, right? मतलब sugar cane is already used to produce sugar, right? So that is why we always use final goods, ठीक है। So this is the thing that you need to know about GDP, ठीक है। Second thing, there are other terms as well that you need to know about GDP. Like besides GDP, there are other terms as well. For example, if we calculate GDP, so what is GDP? I have already told you. Yani ki production jo ek country ke andar hua hai, theek hai. Ab for example, us production mein bhi ek koi Indian country, matlab Indian firm hai, theek hai. Usne jo production kiya, maan lijiye, it is for 100 rupees only, right? Aur ek foreign country hai, matlab foreign firm hai ya foreign kya bolte hai? कैपिटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, उन्होंने जो प्रोडक्शन किया यहाँ पे वो होगा आप लेट्स सपोज 50 रुपीज, तो जो जीडीपी होगा वो कितना होगा हमारा 150 रुपीज। इट डजंट मैटर कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो दूसरी कंट्री का भी अगर कोई कर रहा है तो भी वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा अगर वो इंडिया के अंदर हो रहा है। हाँ, लेकिन जब हम जीएनपी निकालेंगे तो जो
फॉरेन कंट्री होगी, उनकी जो फॉर्म्स रहेंगी, जो इंडस्ट्रीज रहेंगी, वो सब हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे अपनी जीएनपी में। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये है, कोई इंडियन भी हो सकता है जो किसी फॉरेन कंट्री में प्रोडक्शन कर रहा हो, ठीक है, लेट्स सपोज एक्स, ठीक है, ये कोई इंडियन है एंड ही इज प्रोड्यूसिंग समथिंग इन अदर कंट्री, और उनका भी आप लगा लीजिए 60 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, सो आर जीडीपी विल बी 150 ओनली। ओके, सेकेंड टर्म दैट यू नीड टू नो बिसाइड्स जीडीपी, दैट इज जीएनपी, ठीक है, वॉट इज जीएनपी, दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें हमारी इनकम कौन सी ऐड होगी, जो नेशन की इनकम होगी, राइट, तो वो हम कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट जीएनपी। सो फॉर टू कैलकुलेट योर जीएनपी व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव ऑलरेडी जीडीपी, राइट, व्हाट यू विल डू, फॉर एग्जांपल दिस इज वाई, यानी कि फॉरेन प्रोडक्शन दैट वी हैव एडेड इन आर जीडीपी ऑफ अ कंट्री, एंड दिस इज एक्स, यानी कि दिस इज इंडियन प्रोडक्शन दैट वी हैव प्रोड्यूस्ड इन अनदर कंट्री, राइट। सो टू कैलकुलेट जीएनपी व्हाट यू विल डू, फ्रॉम जीडीपी यू विल एड दिस एक्स एंड यू विल सब्ट्रैक्ट व्हाट वाई, यानी कि फॉरेन कंट्री प्रोडक्शन, सो व्हाट विल बी योर जीडीपी इज 150 रुपीज प्लस व्हाट यू विल एड दीज 60 रुपीज, राइट, एंड व्हाट यू विल सब्ट्रैक्ट दीज 50 रुपीज, ठीक है, तो यू विल फाइंड your GDP that will be 110, right? Either to what you can do, this is what you can say, this is 160, I'm extremely sorry for this, this will be 160 not 110, right? What you can do, shortest thing that what you can do ki you can add your GDP, like your domestic production, your Indian firm, and directly add this X production that has happened in another country, right? But if you go according to formula, that what you will do, if you calculate GNP, then you will go with GDP plus added your X factor and we will subtract your Y factor, right? So this is GNP. So these are two terms. Achha. Then fir what is the benefit of GDP, higher GDP? What you will be getting, for example, this is foreign country. So the production, the amount that will be, we will distract it or we will subtract it from our GNP or national income. Then what is the benefit of GDP, higher GDP? First, you will be getting employment opportunities, right? If there is any, foreign country or foreign firm that are using our resources, our production, then it will also create employment opportunities, like locals will get jobs as well. Second thing, you will be getting taxes as well, right? You will be getting taxes, yani ki our government will get taxes that will be used for the production or for the employment generation or like so many things, there are so many things we uses. So these are two main basically things or positive factors of GDP, that is you will be getting employment generation, and second thing, you will be getting taxes as well, right? So this is the thing, ki if we have higher GDP, then it will work really well. There is one more term in this, ki like there are condition if GDP is equals to GNP, let's suppose this. Okay, so is there any condition ki GDP can be equals to GNP, right? So basically there are two conditions. First, if it is a circular or closed economy. What is closed economy? Do you guys have any idea what is closed economy? Basically, no import and no export. Like you're not doing your import and export, you're just producing goods within your country and you are using and all these things. So no import and no export, so there will be no plus minus, right? So GDP will definitely be equals to GNP. Second thing, if X equals to Y, what does it mean? X means our Indian that is producing outside country, right, that we will be adding in our GDP. Let's suppose this is 50 rupees, ठीक है? And why? यानी कि any foreigner that is residing in our country and producing goods and services, all these things, so that we will be distracting this, like we will be subtracting this, then let's suppose this is also rupees 50. So this, if X equals to Y, then also GDP will be equals to GNP, right? So these are two basic terms that you need to know, what is GDP, what is GNP, what is the difference between them. Okay, and like there are other terms as well. For example, we have learned GDP, right?
Second, we have learned GNP as well. Like we have to subtract and add, that I have already told you. Now next term is NDP. ठीक है, then one more term, that is GNP. Sorry, NNP. ठीक है, अब what is the NDP? For example, how do we calculate NDP? तो GDP, we have to go from gross to net. Right? So for this, what we have to do? We have to subtract depreciation. I think you already guys know what is depreciation. But if you don't know, then let me tell you, this is the normal wear and tear of goods. What does it mean? It means, for example, I have a phone and it costs 15,000 rupees. जब मैंने इसको खरीदा, and if I have to resell it, and but nobody will buy it at 15,000 rupees, right? Because I've already used it. So maybe they will buy it at 10,000. So that 5,000 that is deducted. What is this? That is depreciation. यानि कि normal wear and tear of goods or use of goods. Like if we have used goods, so कुछ wear and tear चीजों में होता है. That is depreciation. So if we have to go from GDP to NDP, then we will subtract depreciation, right? Same goes with this. So this is all about GDP, GNP, NNP. Yeah, there is one very small and last topic that I have to tell you guys. Types of GDP, like how will we calculating GDP? Like there are different methods as well, right? So what are those methods that we basically use to calculate our GDP? GDP are of different types. What are those types? First one, real GDP, like we have to calculate GDP at real price. Second one, if you go with, then second will be nominal GDP, right? This is for base price, like we calculate GDP, like real GDP at base price, right? And we calculate GDP, like nominal GDP, at current price, okay, current year price. Third one, GDP at MP. What does MP mean? Not Madhya Pradesh. It's market price. Okay, we will calculate GDP at market price as well. Fourth one, if you go with GDP, what is the fourth option that you guys have? That is GDP at FC. FC means factor cost. Okay. And you guys have one last option to calculate GDP, that is GDP PPP. What is PPP? That is purchasing power parity. So you have these five methods to calculate GDP. Real GDP, like real GDP, nominal GDP, GDP at MP, GDP at FC, and last one, GDP PPP, yani ki GDP purchasing power parity. Gross domestic product purchasing power parity. So this is all about GDP. We will discuss further topic in the next class. Till then, study hard and goodbye.